करते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। वेलकम टू मिस्टर कैट। पिछली जितनी भी वीडियो थी जिनके अंदर हमने ये स्केच बार स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने ये लाइन हो गया, सर्कल हो गया, इसके आगे टाइप्स हो गया, इसकी लाइन और रेक्टेंगल, इन सबकी टाइप जितनी भी हैं उन सब से रिलेटेड आपको डिफाइन कर दिया था और एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम आर्क, ये इनकी तीन टाइप्स, और एलिप्स, इसकी ये चार टाइप्स, हम इसको आज एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्लेन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और उसके लिए हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। सबसे पहले, सॉरी ये स्ट्रेट नहीं है, इस पर क्लिक करें, यहाँ से जाके इसे वर्टिकल कर लें, ओके करें। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो सेंटर आर्क होगी। ये सेंटर से हमने यहाँ तक ड्रा किया और ये हम आर्क ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है एंगल पे जो ड्रा होती है आर्क, ये वो है, तो हमने इसे एंगल पे ड्रा कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी डिमेंशन दें तो हम इसे बाय रेडियस भी, इसकी जो डिमेंशन है वो दे सकते हैं। तो हम इसकी जो रेडियस है वो 60 कर देते हैं, ठीक है, तो ये रेडियस पे हो गया। इसी तरह सेम अगर हम दूसरी साइड पर भी ड्रा करनी है तो दोबारा उसी यहाँ से यहाँ पर आगे क्लिक करें, उसके बाद इस साइड पे जो है ये ड्रा होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम इसकी डायमेंशन दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, सिर्फ एंगल जो होगा वो डिफरेंट होगा और इसकी जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट वाली जो है हमारे पास सेंटर पॉइंट आर्क आ गई है, ठीक है, इसे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है टेंजेंट आर्क। इसके अंदर जो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है वो फिक्स होगा और जो सेकंड पॉइंट होगा वो एज अ टेंजेंट होगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये दो लाइन्स ड्रा कर लेनी है। ये मैं लाइन्स ड्रा कर रहा हूँ। उसके बाद हमें लेनी है टेंजेंट आर्क, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देना है आपने, ठीक है, ये आर्क बननी शुरू हो गई है। तो सेकेंड पॉइंट आपने देना है जो कि टेंजेंट होगा, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आप ये जो टेंजेंट आर्क भी दे सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड में भी इसी तरह देना चाहते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट जो होगा इसका फिक्स होगा, और दूसरा पॉइंट जो होगा आप जितना इसे आर्क मूव करवाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आपने कितना करवाना। अगर आप यहाँ तक रखना चाहते हैं तो यहाँ तक रख लें, उसके बाद अगर आप एंड तक लेके जाना चाहते हैं तो एंड तक लेके जाके क्लोज हो गया, ठीक है। ये जो है हमारे पास टेंजेंट आर्क हो जाएगी। उसके बाद आ गया हमारे पास थ्री पॉइंट आर्क। थ्री पॉइंट आर्क ये जो कॉमन आर्क जो होती है, थ्री पॉइंट आर्क होती है जो मोस्टली यूज़ की जाती है, उसके लिए क्या है देखिए, सेम हमारा टेंजेंट आर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, और उसके बाद आपने इसका रेडियस और इसका एंगल जो है वो डिफाइन कर देना, ठीक है। फर्ज करें मैं ये इसको इनवर्ड लेता हूँ, ठीक है, और जो ये है इसे मैं आउटवर्ड लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये जो होगी हमारे पास थ्री पॉइंट आर्क हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आर्क से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आप इसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इसका नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आगे हमारे पास आ जाते हैं एलिप्स। एलिप्स के अंदर जो है ये चार हैं एलिप्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो होता है मेन जो एलिप्स है उसका हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ये एज अ सर्कल जो होती है वो ड्रा होती है, मतलब कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वो ये देखें आप, कंस्ट्रक्शन लाइन शो हो रहा है। तो अगर आप इसे हॉरिजेंटल में ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने हॉरिजेंटल में रख के इसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रख के इसे हॉरिजेंटल में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसे वर्टिकल में ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने इसे वर्टिकल में रख के इसे वर्टिकल में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और इसकी जो डिमेंशनिंग होती है वो कैसे होती है, आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये जो होगा हॉरिजेंटल में इसकी डिमेंशनिंग कर लेनी है आपने। उसके बाद ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो हो गया इसका वर्टिकल में हमने इसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सर्कल जो होता है वो रेडियस और डायमीटर के ऊपर होता है, ये जो होता है ये लेंथ के ऊपर होता है। सेम इसी तरह आपने इसको भी डायमेंशन कर लेंगे, ठीक है। इसकी डायमेंशन इस तरीके से की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पार्शियल लिप्स। पार्शियल लिप्स जैसे नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, जो पार्शियल लिप्स होता है वो पार्शियल मतलब कुछ पार्ट्स पर ड्रा की जाती है। जैसे मैं यहाँ पे ये ड्रा कर रहा हूँ पार्शियल लिप्स, ये ठीक है, मैं इसे जो है वो हॉरिजॉन्टल में ड्रा करने जा रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल में ड्रा किया, ठीक है, ठीक है। आपने इसका जो है जो रेडियस है या
मतलब कि जो इसकी लेंथ है विड्थ है वो आपने बाद में डिसाइड करनी है या जो भी है उसके बाद आपने क्लिक किया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं ये ड्रा हो रही है, ठीक है। जहाँ तक आपको चाहिए अब वहाँ तक इसे ड्रा करना, जैसे मैं यहाँ तक ड्रा करना चाहता हूँ तो ये यहाँ तक ड्रा हो जाएगी, ठीक है। ये पार्शल लिप्स हो जाएगी इसकी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैराबोला, ठीक है। पैराबोला भी जो है इतनी कॉमन यूज़ नहीं होती, मेन जो होती है वो लिप्स यूज़ होती है, ये कहीं कहीं पे ये पार्शल लिप्स होती है। ये जो पैराबोला है ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से जो है मैं फिर भी आप इसको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपने इसकी जो लेंथ है वो दे देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट पर चाहिए, ठीक है। ये ऐसे अब इसे पैराबोला में ड्रा कर सकते हैं। ये जो होती है ये क्लोज नहीं होती है, ऑलवेज ओपन होती है। पैराबोला जो होता है हमेशा ऑलवेज ओपन होता है, जैसे इसकी पिक्चर में भी यहाँ पे जहाँ से जहाँ कमांड है वहाँ पे भी देख सकते हैं ये ऑलवेज ओपन ही रहेगा, ठीक है। बाद अगर कॉनिक, कॉनिक होता है जो कि आप इसकी लेंथ तो, इसकी जो डेप्थ है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। हम इसकी लेंथ को वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, ये देखें आप इसकी लेंथ को खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये भी ऑलवेज ओपन होगी, कभी ये भी क्लोज नहीं होगी, ठीक है। ये जो है पैराबोला और कॉनिक जो इतनी वो यूज़ नहीं होती, मेन जो होती हैं वो ये एलिप्स होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा कभी कभी जो होती है वो पार्शल जो है वो यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो होप सो कि आपको लिप्स की भी समझ आ गई हो। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरा ईमेल मेंशन है वहाँ पे आप मुझे मेल करके जो है वो इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।